इंग्लिश साल 1982 राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 14 दिसंबर की हिंदी सूरदास के पद क्लास एट की। आज हम क्लास एट की वर्कशीट में सूरदास के पदों को जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तिका वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्य पत्रिकाओं के माध्यम से हमने विभिन्न चीजों पर चर्चा की। तो सूरदास के पद, पहला पद, मैया कभी पड़ेगी छोटी, कितने बार मोही दूध पियत भई, यह अजों है छोटी, तू जो कहती बल्कि मोही जो, हमें है ना भी छोटी, कारत ग्रहत लल्हा बच्चे है, ना भी निसी भूई लोटी, काचो दूध प्यावत पची पची देती, ना माखन रोटी, चूर चिर जवाओ, दुई दुए भैया, हरी हल्दर की जोटी। तो ये हमारा पद है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने कृष्ण के बाल काल को बताया गया है। बाल स्वभावश श्री कृष्ण दूध पीने से प्राय आनाकानी करते थे। तब तक एक दिन माता यशोदा ने प्रलोभन दिया और कहा, काल है तो रोज कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी चोटी बलदाऊ की तरह लंबी हो जाएगी। भैया ये कहने पर काला दूध पीने लगे। अधिक समय बीतने पर एक दिन कन्हैया बोले, मैया मेरी ये चोटी कब पड़ेगी, दूध पीते हुए मुझे कितना समय हो गया, लेकिन अब तक भी ये छोटी है, तू तो कहती थी दूध पीने से मेरी ये चोटी बलदाव की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, शायद इसलिए तो मुझे रोज नहलाकर बालों की कंघी से संवारती है, चोटी गूंथती है जिससे चोटी बढ़कर नागिन जैसी लंबी हो जाए, कच्चा दूध भी इसीलिए पिलाती है, इसी चोटी के कारण तू मुझे माखन व रोटी भी नहीं देती। सूरदास कहते हैं कि जो श्री कृष्ण और बलदाव दोनों भाई जो है, इनकी जोड़ी अमर रही, अजो आज भी बेनी छोटी कारक बाल संवारना, रोई भूमि पची पची बार बार, बल बल राम हमें होगी, घोट घोटना लोटी लोटने लगना, इस तरह के शब्द आए। अब निम्न में से कौन सा दूध का पर्यायवाची नहीं है, पाए दुग्ध नीर या गोरस, तो क्या नहीं है, नीर नहीं है। अब पहला प्रश्न, कृष्ण के माता उनको किस बहाने से दूध पिलाती थी, कृष्ण की माँ उनको कहती कि अगर वो दूध पिएंगे तो उनकी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। तो अब अगला जो है, कृष्ण को दूध की तुलना से अधिक क्या पसंद, तो कृष्ण को दूध की तुलना में माखन और रोटी अधिक पसंद है। हरी हल्दर नाम किन के लिए प्रयोग किया गया है, हरी हल्दर नाम कृष्ण और बलदाऊ के लिए प्रयोग किया गया है। तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के संग, तब तक के लिए बाय एवरी।